मेरे भाभी के साथ मेरा ये कह रहा था मत रहा है। अरे ताऊ तुमने सुना नहीं, जब मतदान आ रहे हैं वोट डालने चलोगे हमारे साथ? अरे बेटा मैं तो अपना मतदान किया ही नहीं। अरे तुम तो अपने वोट खराब कर रहे हो। अगर किसी को अगर तुम हर साल वोट डालते तो किसी ना किसी को फायदा होता और तुम किसी ना किसी को जिता के अपना नाम रोशन करते। बेटा तो भूल याद कर लो। हमारे गांव की संस्कृति सबलता गोड है। नहीं बहन ये तो तुम गलत सोच रही हो। पंचायत प्रत्याशी इन पंचायत प्रत्याशी क्या एक एक वोट वोट गिनते होता है? अरे मैं तो तुमसे भी कह रही हूँ मत दो वोट वोट, कुछ नहीं होता। वोट वोट लेके बैठ जाते हैं राजनीति में ऐश करते हैं। अपने ही प्रधान से कुछ कहो तो कहता है पहले मुझे जिताओ फिर करवाऊंगा तुम्हारा काम। नहीं बहन इन प्रत्याशियों में से कोई तो एक प्रत्याशी हमारे भले और बुरे के बारे में सोचता होगा कि अपना वोट देकर उसे जिताना नहीं चाहोगी? हाँ मैं सभी हूँ कर सके। इसके लिए ये मतदाताओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी अध्यापकों छात्र एवं छात्राओं को दी। तो हम यहाँ सीख रहे हैं एक तरह से उनको अपने पेरेंट्स को कंपेयर करें और उनको ये समझाएं के मतदान की उपयोगिता क्या। बच्चों ने प्रस्तुत की और पुरस्कार वितरण प्रारंभ हो उससे पहले 5 मिनट के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ऋचा शर्मा यहाँ आई है जो राजकीय शिवहरी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज ठाकुर द्वारा से यहाँ पधारी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 5 मिनट राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस विषय पर आपके समक्ष विचार रखें। श्रीमती ऋचा शर्मा। नमस्कार आदरणीय प्रिंसिपल सर, महोदय, शिक्षकगण और बच्चों, शायद पहली बार मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है और प्रशासन को इसकी जरूरत बहुत महसूस हुई, इसलिए ये जरूरी हो गया क्योंकि बहुत लंबे समय से ऐसा हो रहा था कि हमारे यहाँ मतदान का प्रतिशत गिरता चला जा रहा था। और इसका असर क्या हुआ कि अमूमन जो लोग सही राय बनाते हैं वही मतदान करने से रह जाते हैं। बच्चों से क्यों हम बच्चों को तो कोई वोट डालने नहीं जा रहा, हमें क्यों बताया जा रहा है? आपको बताया इसलिए जा रहा है कि आप घर जाएंगे और अपने घर के लोगों के साथ साथ मोहल्ले पड़ोस के लोगों को भी बताएंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ कि प्रथम आम चुनाव जो देश में हुए थे और कांग्रेस चुनकर आई तो उसके बाद लाल किले पर पहला कवि सम्मेलन किया गया। उस कवि सम्मेलन में हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साथ चल रहे थे। अचानक सीढ़ियां चढ़ते हुए जवाहरलाल जी लड़खड़ाए और दिनकर जी ने उनका हाथ थामकर उनको संभाल लिया। जब नेहरू जी ने उनको थैंक्स बोला तो बोले पंडित जी राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य से सहारा देगा। तो उसी साहित्य का सहारा लेकर हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे हैं। देश जब भी लड़खड़ाता है, राजनीति में जब भी विकार आता है तब हम लोग जो आम लोग हैं जिनकी गिनती वैसे कहीं नहीं होती लेकिन जब देश के लिए एक निर्णय लिया जाता है तब इस आम आदमी की ही कुव्वत होती है जो पूरा इतिहास बदल देने का ताकत रखता है। और ये फिर होगा जैसा कि पिछले दिनों लोग देख चुके हैं आजादी के समय लोगों ने जो एकजुटता दिखाई थी वो इस बार फिर से लोगों के सामने आई है
हमने भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, सीढ़ी पर रही है, वीडियो ग्राफी हो रही है, सीढ़ी पर के और शासन को जाएगी और अखबार में भी हमारे फोटो मिले हैं, वैसे भी फोटो खींच रहे हैं और कल जो वहाँ से अध्यापक आए थे और बच्चे आए थे उनको भी जनता कराया गया, सारे स्टाफ को जनता कराया गया। ये समस्त खर्चों का भार जो है वो हमारे विद्यालय के जो प्रबंधक है श्रीमान रवि प्रकाश जी करवा दिया वह किया है, बहुत बहुत धन्यवाद और उनके स्वागत।
अरे पीटीआई में होता है तो। शर्मा जी को दे दो ऊपर। अयूब हाँ थे दो पता ना मामा जी को पता नहीं है कहाँ जा रहे हो कहाँ लेके जा रहे हो। अरे बात अरे तुम तो लो बच्चों को हो गया दे दे दो और आ रहा है भैया किसी तरह से मुंडासा तो खोल लो मेरा क्या होगा ये याद रहेगा फोटो की तुम फोटो बना लोगे उस्ताद जी मत दिखाओ इसे।